like a Hellcat. Hello friends, today we will introduce about equations of uniformly accelerated motion. Equation of uniformly accelerated motion ka use kis liye hai? We have to find the relation between distance, initial velocity, final velocity, time and acceleration. There are three equations of motion. First equation v is equal to u plus ad, and second equation s is equal to ut plus r at square, and third equation v square is equal to u square plus 2as. Suppose that कोई बॉडी है जो क्या कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है. एट पॉइंट ए देर आर इनिशियल वेलोसिटी इट रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड एट पॉइंट बी देर आर फाइनल वेलोसिटी. स्टेटमेंट का आरबीजे फॉर्म इट रिप्रेजेंटेड बाय बी. एट ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, एस है. ए से बी तक मूव करने के लिए टाइम कितना लगा, टी लगा. एक्सेलरेशन टी है. तो हमें किसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी. यहां पर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं. अगर सेकेंड इक्वेशन का यूज करना है तो किसके लिए हम यूज करते हैं, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी. ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी. टाइम एंड एक्सेलरेशन. और थर्ड इक्वेशन का यूज हम किस लिए करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस. ये तो रहा इक्वेशन का यूज. हमें रिलेशन फाइंड करना हो, हम इस तीनों इक्वेशन का यूज किए. अब हम जानेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या बताया, v इज इक्वल टू यू प्लस at. आपको लेट करना पड़ेगा, कंसीडर अ बॉडी मूव्स फ्रॉम a टू b, जो क्या कर रहा है, a से b तक मूव कर रहा है. और ये भी लेट करना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है. इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी वी. यहां पर वेलोसिटी क्या था, यू था, यहां वेलोसिटी क्या है, वी है. और ए से बी तक मूव करने के लिए टाइम कितना होगा,
ए से बी तक मूव करने के लिए टाइम पी लगा और एक्सीलरेशन कितना हो, एक्सीलरेशन ए हो। हम मान लिए लेट कर लिए कोई बॉडी है जो क्या कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, एंड फाइनल वेलोसिटी बी है, जो क्या हो रहा है टी टाइम में चेंज हो रहा है, यू से बी टी टाइम ले रहा है चेंज करने में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, आपको एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में बताया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। वी नो दैट, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम, कितना टाइम लिया चेंज करने में। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ए है और टाइम कितना लिया टी लिया। एक्सीलरेशन के स्पेस में हम ए राइट करते हैं इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फर्स्टली यू था आफ्टर टी टाइम में क्या हो गया बी हो गया, दैट इज बी माइनस यू। एंड टेकिंग टाइम, टेकिंग टाइम क्या है टी है, दिस इंप्लाइज t को इधर मल्टीप्लाई कर दे, at is equal to b minus u, that is इसको चेंज करेंगे u को इस साइड लेकर आएंगे पॉजिटिव चला जाएगा, u plus at is equal to b, that is b is equal to u plus at। ये क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है, दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।